बुजुर्ग महिलाओं ने शुरू की रामधुन प्रभात फेरी, सर्दी गर्मी और बारिश में निरंतर करती है रामधुन। रीवा में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से चोरी का प्रयास, पुलिस ने पीछा कर 3 आरोपियों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 5 मकानों पर चला बुलडोजर, महाकाल के गेट निर्माण में मकान बन रहे थे बाधा। एमपी में 15 किलो सोना लूटकांड का 3रा आरोपी पकड़ा, रणवीर बनकर 10 दिन से कटनी में रेकी कर रहा था शहबाज। और पुलिस में भर्ती नहीं होने पर बन गया नकली एसआई, सागर में 3 नकली पुलिसकर्मी पकड़े। रेलवे अलर्ट, सर्दी ने लगाया एक्सप्रेस ट्रेनों पर ब्रेक, 90 दिन तक झांसी नहीं जाएगी ताज एक्सप्रेस। निगम कर्मचारी की मौत के बाद परिजन ने किया हंगामा, नगर निगम अब इस मामले में कराएगा आंतरिक जांच। लगातार गिर रहे कच्चे तेल के दाम, देश में 14 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। मध्य प्रदेश में इकबाल सिंह बैसी रहेंगे चीफ सेक्रेटरी, इकबाल सिंह को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। और शहर में रोज 300 से ज्यादा लाइटें हो रही खराब, स्मार्ट सिटी द्वारा तेजी से लाइटें नहीं कराई जा रही सही।